प्रश्नावली 3 का तीसरा प्रश्न। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र के दोनों बहुभुज समरूप हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं जिसमें एक एक चित्र में दो दो बहुभुज दिए हुए हैं ना। बोल रहा है कि दोनों बहुभुज आपस में क्या है, सभी में समरूप हैं। तो प्रत्येक में से एक्स वाई जेड का मान निकालिए। 3 अननोन फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हीं का मान हमें निकालना है एक्स वाई जेड। तो पहला समरूप देखते हैं, तीसरा का पहला समरूप ये, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो तीसरा का पहला समरूप कुछ इस प्रकार से है। एक छोटा है तो एक सेम टू सेम ड्राइंग है जो इससे बड़ा है। चतुर्भुज है ये, है ना, या फिर बहुभुज भी बोल सकते हैं। बहुभुज बोलेंगे तो क्या है, कोई भी ड्राइंग को जो एक से अधिक भुजाओं वाली होती है उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो बहुभुज दिया हुआ है जिनका नाम नहीं दिया हुआ है, उसको नेमिंग कर लेते हैं पहले। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, ऐसा हमने नेमिंग कर लिया। और क्या क्या दिया हुआ है, 14, 16, 10, इसकी भुजाओं का मान है 14 यूनिट 16 यूनिट और 10। और क्या दिया हुआ है, 13, 8, y, x, z, y और इसका मान है x। इस प्रकार से हमें ये दो बहुभुज प्रश्न में दिए गए हैं, ठीक है। इन दोनों बहुभुजों का हमें से हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो बोल रहा है त्रिभुज में, प्रश्न में बोल दिया है कि दिया गया है दोनों बहुभुज क्या है, आपस में समरूप है। अतः बहुभुज ए बी सी डी समरूप है बहुभुज पी क्यों आर एस के, ये प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो जब बहुभुज है तो क्या होता है, जब बहुभुज दोनों जो भी आकृति आपस में, जो बहुभुज होते हैं वो आपस में अगर समरूप होते हैं, अतः उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उसी से हम स्केल फैक्टर निकालते हैं ना। तो ऐसे दो संगत भुजाएं यहाँ पे जिसकी दोनों भुजाओं का मान दिया हुआ हो वो कौन सी है, डी सी और एस आर, डी सी और एस आर, उससे हम स्केल फैक्टर मतलब कि स्केल गुणक निकाल सकते हैं, ठीक है। स्केल फैक्टर इज इक्वल टू एस आर अपॉन डी सी भी लिखा जा सकता है, या तो डी सी अपॉन एस आर लिखा जा सकता है, डी सी अपॉन एस आर। अब अगर हम इस वाले चतुर्भुज को पहले ऊपर अंश में ले रहे हैं और इसको हर में इसके मान भुजाओं के मानों को, तो हर बार हमें इसी को अंश में और इसके मानों को हर में लेना पड़ेगा। डी सी का मान है 10, एस आर का मान है भुजा का मान 8, है ना। तो 5/4 ये हो गया हमारा स्केल फैक्टर, है ना। तो पहला एक्स का मान निकालना है, तो एक्स वाले भुजा का, एक्स बी सी है ना, एक्स के भुजा का मान कौन सा है, कौन सा भुजा का मान है, बी सी, इसका संगत भुजा है इसमें क्यू आर। अतः हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन
इसको स्केल फैक्टर के बराबर में रखते हैं, क्योंकि स्केल फैक्टर क्या है, सभी भुजाओं के अनुपातों का मान है ना, स्केल फैक्टर इसीलिए निकाले हैं। तो जब बी सी अपॉन क्यू आर बराबर स्केल फैक्टर होगा, तो बी सी का मान है एक्स, क्यू आर का मान है 13, स्केल फैक्टर आया है 5/4। इस त्रिया गुणा करने पे 4x इज इक्वल टू 13 × 5, एक्स इज इक्वल टू 13 × 5/4, 13×65/4। एक्स इज इक्वल टू कितना मिला, 16.25। 4×1=4, 2×4=24, 1×1=0, 4×2=8, 2×4×5=20, 16.5। ये हो गया एक्स का मान, 16.5 यूनिट भी लिखा जा सकता है ना। अब वाई का मान निकालना है, तो वाई वाली जो भुजा है वो है पी एस, पी क्यू आर एस में पी एस, इसकी संगत भुजा ए बी सी डी में है ए डी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन पी एस बराबर स्केल फैक्टर। ए डी का मान क्या है, 16, पी एन पी एस का वाई इज इक्वल टू स्केल फैक्टर 5/4। त्रिया गुणा करने पे 5y इज इक्वल टू 16×4, y इज इक्वल टू 16×4/5, 16×64 / 5 बराबर 5 को भाग करेंगे 64 से, तो 5×1=5, 1×10=14 हुआ, 4 होता है तो 5×2=10, 4.05×8=40, 12.8। वाई का मान क्या है, 12.8। वाई इज इक्वल टू 12.8, ये मिला। अब एक्स का मान, सॉरी एक्स का हो गया, वाई का हो गया, जेड का मान, तो जेड का जो भुजा है, जेड जिसमें है उसका भुजा है पी क्यू, है ना। तो पी क्यू की संगत भुजा ए बी सी डी में है ए बी, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर स्केल फैक्टर। ए बी का मान है 14, पी क्यू का मान है जेड, इज इक्वल टू स्केल फैक्टर है 5/4। त्रिया गुणा करने पे 5z इज इक्वल टू 14×4, जेड इज इक्वल टू 14×4/5, जेड इज इक्वल टू 14×1=14, 14×2=14, 14×3=14, 14×4=56 / 5। पाँच को भाग करेंगे 56 से, 5×5=5, 5×5=5, 1.0011.2, 5×2=10, जेड इज इक्वल टू क्या है 11.2। यही एक्स वाई और जेड का मान हमें निकालना था, कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लिख सकते हैं, है ना। एक्स का मान कितना है 16.25 यूनिट, वाई इज इक्वल टू है 12.8 यूनिट, और जेड इज इक्वल टू है 11.2 यूनिट। यही हमारा क्या है, सब आंसर आंसर आंसर, ठीक है। ये हो गया थर्ड का पहला प्रश्न। अब देखते हैं तीसरा का दूसरा प्रश्न। दूसरा चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, बहुभुज आपस में दो त्रिभुज दिए हुए हैं, है ना, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरा का दूसरा प्रश्न, इस प्रकार से एक त्रिभुज उल्टा दिया हुआ है और एक त्रिभुज है सीधा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों समकोण त्रिभुज है। अब इनका मान
क्या क्या मान दिया हुआ है, एक्स 14 7 2 और 3, एक्स 14 7 2 और 3 इस भुजा का मान ना, और 5 10 y इस भुजा का मान है, 5 10 y इसका मान है 30 डिग्री, और यहाँ पे है z डिग्री है ना, z अंश। अब ये हमारा चित्र है, इसका नेमिंग कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC और इसको नाम देते हैं PQR, नेमिंग कर दिए। अब दिया हुआ है गिवन डैट, या फिर प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों बहुभुज आपस में क्या है, समरूप है, अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमें निकालना है क्या, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो पहले तो स्केल फैक्टर निकाल लेते हैं, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू, जब दोनों दोनों बहुभुज आपस में समरूप है मतलब सभी संगत भुजाएं क्या होंगी, का अनुपात बराबर होगा। तो ऐसी संगत भुजा जिसमें दोनों भुजाओं का मान दिया हुआ हो, ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, इसके लिए ये कर्ण है, इसके लिए ये कर्ण है, दोनों कर्ण दिए हुए हैं है ना, तो PR/AC लिखा जा सकता है, PR/AC। PR का मान कितना है, 14, AC का मान है 10, तो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 7/5, ये हो गया स्केल फैक्टर। पहला हमें फाइंड आउट करना है एक्स का मान, एक्स क्या है यहाँ पे, इसकी संगत भुजा क्या है इस वाले बहुभुज में, ये कर्ण है इसमें ये कर्ण है, तो ये हो गया इसका आधार, इसके लिए AB इसका आधार, आपस में दोनों आधार क्या हो गए, बराबर हो गए है ना। एक सेकेंड, इसके लिए आधार QP है और इसके लिए लंब है, QR क्या है इसके लिए लंब, इस वाले त्रिभुज के लिए CB लंब है, तो QR/CB लिखा जा सकता है, लंब बटे लंब। QR का मान क्या है, इसके किसके बराबर हो गई, ये स्केल फैक्टर के बराबर है ना, तो QR का मान है X, ACB का मान है 7 √3, स्केल फैक्टर है 7/5। तीनों गुणा करने पे x इज इक्वल टू 7 √3 ऊपर चल जाएगा, 7 √3, तो QP का वैल्यू है 7 √3, CB का वैल्यू तो 5 है, CB का मान क्या है 5, त्रिया गुणा करने पे ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 7 × 5/5 कैंसल, x इज इक्वल टू कितना है 7। ठीक है, अब दूसरा y का मान, y कहाँ पे है, AB, इसका संगत भुजा कौन सा होगा, इसके लिए ये लंब था तो ये आधार होगा है ना, तो AB/, या फिर QP/, सभी में हमने इस वाले त्रिभुज को अंश में लिया है तो सब इसी को ही अंश में लेंगे, इसके भुजाओं के मान को और ABC के भुजाओं के मान को हर में है ना, तो QP/AB लंब आधार बटे आधार, इसके लिए आधार ये हो गया, लंब ये है तो ये QP क्या हो गया इसका आधार, और इस वाले त्रिभुज के लिए AB है ना, आधार बटे आधार, आधार का QP का मान है 7 √3, पहले से इसको स्केल फैक्टर के बराबर में रखेंगे, इज इक्वल टू स्केल फैक्टर, सब सभी के भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर के बराबर है ना, तो QP का मान क्या दिया हुआ है, 7 √3, AB का मान है y, इज इक्वल टू स्केल फैक्टर आया है 7/5, त्रिया गुणा करने पे ये विस्तार चल जाएगा, 7 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 √3 × 5/7, नीचे आ गया y, ऊपर चला गया,
सेवन 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 कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आया, 5√3। ये आया। अब x का कम सॉरी z का मान, z z है यहाँ पे कोण बन के बैठा है ना, जो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दोनों जब समरूप होते हैं आपस में तब क्या होते हैं, सभी संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और जेड क्या है, कोण का मान है, संगत कोण बराबर होते हैं। अतः यहाँ पे कोण ए बराबर है कोण पी के। कोण ए का संगत कोण क्या है, कोण पी। कोण बी का संगत कोण क्या है, कोण क्यू। और कोण आर का संगत कोण है यहाँ पे कोण सी। और कोण ए का मान दिया हुआ है, कोण ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री। अतः और कोण पी का मान है जेड। तो कोण ए और कोण पी आपस में जब बराबर है तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। ये तो लाना था है ना। तो एक्स वाई और जेड का मान हमें मिल गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद थर्ड का, थर्ड क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ है, एक आकृति बहुभुज दी हुई है, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरा का तीसरा, ये कुछ इस तरह से दो बहुभुज यहाँ पे दिए गए हैं ना, ये दोनों बहुभुज आपस में समरूप है ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। आर एस पी क्यू आर एस सबका मान दिया हुआ है भुजाओं का, उसको लिख लेते हैं 21, 15, 27, 18 इसका इस भुजा का 18 मान दिया हुआ है। और एक्स वाई जेड 18, एक्स इस भुजा का वाई ये जेड और इसका मान 18 ये दिया हुआ है ठीक है। प्रश्न में गिवन डैट कि बहुभुज ए बी सी डी समरूप है बहुभुज पी क्यू आर एस के, ये दिया हुआ है। जब दोनों आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे जो संगत भुजाएं इसमें बताइए जो जिसमें दोनों भुजाओं का मान दिया हुआ हो, क्यू आर और ए डी ये दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे,
इस चित्र को देखने पे हमें पता चलेगा कि क्यों आर की संगत भुजा ए डी है, बी सी नहीं है ना, क्योंकि ये चित्र एक दूसरे के मिरर इमेज के रूप में रखाया हुआ है। ये इस तरफ से सीधा है तो इस तरफ से उल्टा रखा हुआ है ना, तो क्यू आर का ए डी इसका समरूप सॉरी संगत भुजा है। तो स्केल फैक्टर निकालने के लिए संगत भुजाओं का अनुपात चाहिए, तो क्यू आर इस वाले बहुभुज का भुजा का मान हम अंश में रख रहे हैं तो हर बार इसी का रखेंगे, है ना। क्यू आर अपॉन ए डी, क्यू आर का मान है 18, ए डी का मान है 15, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 18, 5 × 6 = 18, 5 × 5 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15 है ना, 6/5, ये हो गया स्केल फैक्टर। पहला हमें निकालना है यहाँ पे एक्स का मान। एक्स के मान, एक्स के संगत भुजा, एक्स वाला जो है पी क्यू, इसका संगत भुजा है ए वी, है ना। तो पी क्यू अपॉन ए बी बराबर आ जाएगा स्केल फैक्टर, पी क्यू का मान है एक्स, ए बी का मान है 21, स्केल फैक्टर है 6/5, तिरिया गुणा करने पे 5 ऊपर 21 यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 21 × 6/5। एक्स इज इक्वल टू 6 × 6 = 6, 6 × 2 = 12, 126/5। × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 1.05, 5 × 2 = 10, 25.2। एक्स इज इक्वल टू है 25.2 यूनिट, है ना, कुछ नहीं दिया तो मतलब यूनिट ले सकते हैं इकाई। दूसरा है वाई का मान, वाई वाला जो भुजा है उसका संगत भुजा कौन सी होगी, वाई है पी एस, है ना, तो पी एस की संगत भुजा यहाँ पे बी सी है, पी एस अपॉन बी सी बराबर स्केल फैक्टर लिखा जा सकता है। तो पी एस का मान है वाई दिया हुआ है और बी सी का मान दिया हुआ है 18 इज इक्वल टू स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर है 6/5, तिरिया गुणा करने पे वाई इज इक्वल टू 18 × 6/5, वाई इज इक्वल टू 8 × 6 = 48 में आ गया 4, 6 × 6 = 10, 108/5, वाई इज इक्वल टू कितना आया 108 में 10 5 का भाग करेंगे तो 5 × 2 = 10, 8 × 5 = 5, 3 × 5 = 5, 21.6. यूनिट ये हो गया वाई का मान। अब जेड का मान बचा है ना, तो तीसरा फाइंड आउट करना है हमें जेड। व्हाट इज जेड, जेड किसमें है क्यू एस, जेड किस वाले भुजा का मान है, एस आर का है ना, तो एस आर के संगत भुजा यहाँ पे है ए बी सी डी में है डी और सी, अतः एस आर अपॉन डी सी इज इक्वल टू स्केल फैक्टर होगा। एस आर का मान जेड, डी सी का मान दिया हुआ है 27, स्केल फैक्टर है 6/5, तिरिया गुणा करने पे जेड इज इक्वल टू आया 27 × 6/5, जेड इज इक्वल टू 7 × 6 = 42 की 2 × 4, 6 × 12 = 12, 13 × 14 = 15, 16, 162/5, जेड इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 को भाग करेंगे 162 से, तो 6 × 5 = 15, 1 × 2 = 5 × 10, 2.05 × 20, 32.4। जेड इज इक्वल टू कितना आया 32.4 यूनिट, ये आ गया जेड का मान। एक्स वाई और जेड का क्या क्या मान आया, 25.2 एक्स का मान, वाई इज इक्वल टू 21.6 यूनिट और
जेड इज इक्वल टू कितना आया 32.4 यूनिट। यही तीनों क्या है आपस में हमारा आंसर, एक्स वाई जेड का मान निकलना था, निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद तीसरा का चौथा प्रश्न, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।